फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है गवर्नमेंट सरकारी वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी एक नया अपडेट आ रखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने हर जगह देख रखा है कि एक आपकी KVS केंद्रीय विद्यालय संगठन ने वैकेंसी निकाल रखी है। तो फ्रेंड्स, वो वैकेंसी किस किस से रिलेटेड आप देख सकते हैं, PGT, TGT और एक PRT से। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकी जो एप्लीकेशन है आप देख सकते हैं, इनकी एप्लीकेशन जो इनकी एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, वो आपकी 16 नवंबर तक भरी जाएगी, जिसमें बैचलर डी और आपके पास काफ़ी इन्होंने इसमें मांगे BSc नर्सिंग, PG डिप्लोमा, MSc, काफ़ी कैंडिडेट्स मिला के टोटल 4000 वैकेंसीज की अपने वैकेंसीज ओपन की है। तो फ्रेंड्स, ये भी सर्कुलर है, आप एक देख सकते हैं, जिसका निकाला हुआ था इसको वापस ने अपडेट किया है, जिसने इसने अपनी एग्जाम डेट बोल दी है, जो आपके पास क्या कहते हैं दिसंबर से आपके आपके जनवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ये बिल्कुल कन्फर्मेशन नोटिस है, जो आपको बिल्कुल एक ईजिली आप उसको देख सकते हैं अपनी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। फ्रेंड, थोड़ा सा मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हम जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं, KVS आखिरी होता क्या है। फ्रेंड, एक्चुअली केंद्रीय विद्यालय संगठन है, जो इसके लिए IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब केंद्रीय वो आपका केंद्रीय जो आपकी जो होम मिनिस्ट्री होती है, इसके द्वारा ये चलाया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्चुअली इसमें क्या होता है, काफ़ी हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी हमारे जो ऐसे क्या होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मरीन्स, इन शॉर्ट डिफेंस के जो सोल्जर्स होते हैं, इनके बच्चे हुए। तो फ्रेंड्स, इनके बच्चों को कभी भी आपका कभी दिखा होगा, ट्रांसफ़र होते रहते हैं इनके पेरेंट्स के, तो इनके बच्चों को एक ईजिली इसमें एडमिशन्स मिल जाते हैं। दूसरी बार फ्रेंड्स, कभी आपने एक चीज़ और देखी होगी, काफ़ी हमारे एजुकेशन के स्तर को सुधारने के लिए एक केंद्रीय विद्यालय का संगठन बनाया गया है, ताकि लोगों को जो अपने सिविल्स कैंडिडेट से क्यों ना हो, उनको एक अच्छी और बेहतर नॉलेज दी जा सके। तो फ्रेंड, उसी को देखते हुए आज कम से कम 20 से 22 हज़ार पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर है, कि इंडिया के नहीं, कुछ बाहर के कंट्रीज़ के अंदर भी है, ताकि जो बाहर के जो रहने वाले अपने एम्बेसीज़ के अंदर जो अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो वहाँ के जो कर्मचारी थे, उनके बच्चों को भी वहाँ पे नॉलेज मिल सके। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन है तो ये भी अपने क्या करता है, कभी एम्प्लॉयज़ और अपने स्टूडेंट्स की वो वैकेंसीज ओपन करता है। स्टूडेंट्स के तो एडमिशन ओपन होते हैं, और आपके जो टीचर्स हैं और अपना एडमिन स्टाफ है, इनकी वैकेंसीज। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो अपना एकेडमिक स्टाफ का करने एकेडमिक स्टाफ का मीन्स आपके पास PGT, TGT और PRTs की हम पूरी बात करने जा रहे हैं, जिस तरह इन्होंने वैकेंसीज का भी इन्होंने ओपन कर रखा है। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे हम देखते हैं, अगर ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखना हो तो फ्रेंड्स, आपको लिखना होगा governmentsarkarivacancy.com। आप जैसे इसके ऊपर आके इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, आपके पास सारी इसमें इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएंगी। जैसे अभी ओपन हो रही है, जैसे आप ओपन करेंगे फ्रेंड्स, तो आपके पास इस तरीके का आपके पास का लेटेस्ट न्यूज़, ग्रेजुएट्स, उसी तरह 10th और 12th। तो फ्रेंड्स, आप इसके अंदर जितनी भी लेटेस्ट न्यूज़ आई हम देख सकते हैं, जिस तरह फ्रेंड्स अभी आप देख पा रहे हैं, KVS ने रिक्रूटमेंट का अपने बिल्कुल अपना लेटेस्ट इसमें कुछ आया है, तो आप देख सकते हैं ये KVS का PGT TGT का इनका जो रिक्रूटमेंट है, आप इसके अंदर जाके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, इन्होंने BSc नर्सिंग, PG डिप्लोमा काफ़ी निकाल रखा है, KV टीचर्स रिक्रूटमेंट भी है, गवर्नमेंट जॉब है ऑल ओवर इंडिया, 2 नवंबर से 16 नवंबर के बीच चलने वाली है। एजुकेशन फ्रेंड्स सबकी डिफरेंट है, इसका मैंने वीडियो अलग से बना रखा है। फ्रेंड, इसके अंदर प्रिंसिपल की भी है, इसका मिनिमम एज दे सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल भी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स भी हो गए। फ्रेंड्स, इसकी सैलरी भी पूरी मेंशन हम लोगों ने इसमें कर रखी है। बात फ्रेंड्स आपका आता है कि इसमें प्रीवियस सैम्पल पेपर्स, तो फ्रेंड्स इसके अंदर आप प्रीवियस सेक्शन के मिल जाएंगे, जिस तरह 2012 का हुआ है, 13 का हुआ है, और इनके फ्रेंड इनके प्रीवियस है। फ्रेंड्स, आपको इस पर क्लिक के डाउनलोड के ऊपर जाना होगा, जहाँ पे फ्रेंड्स आपको इनके जैसे 2012 के अंदर जो इसका एग्जाम हुआ था फ्रेंड, इसके आपके यहाँ पे क्वेश्चन सारे इसके आपके मिल जाएंगे विद आंसर्स, और इन्होंने आपके EVS के भी आ गए। फ्रेंड, इसके बाद चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी क्वेश्चन पेपर भी आ गए। फिर इसके बाद मैथमेटिक्स इज रीजनिंग के किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, एक बार आप बिल्कुल इसके अंदर से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा अपन इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, किस तरह के क्वेश्चंस हैं। केंद्रीय विद्यालय में जा रखे हैं, जो आके PRT टीचर्स में होगा, तो फ्रेंड्स वही हो गया, एम्बेसडर कैन बी टेकल फ्रेंड्स, आपके जो टीचिंग के रिलेटेड हैं, इफ एनी गर्ल चाइल्ड डज नॉट कम कॉन टू स्कूल रेगुलरली यू विल, आप क्या करेंगे, नो बॉदर, आप कुछ भी नहीं करेंगे, स्ट्रक ऑफ हर नेम, उसका नाम काट देंगे, कंप्लेन टू आपका प्रिंसिपल करेंगे। फ्रेंड, इस तरह के क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, उस डायरेक्शंस के भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आप देखते हैं ओरिएंटल स्किल्स हो गए, किस तरह के देखे जा रहे हैं, टीचर्स के स्किल्स से रिगार्डेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। फ्रेंड, उसी तरह हम करेंगे, जैसे EVS पार्ट क्या हो गए, व्हाट आर जो एयर पॉपुलेंट्स क्या होते हैं, जैसे एरोसिल्स हो गया, सीवेज हो गया, DDT हो गया, फर्टिलाइजर्स, आंसर ए होगा फ्रेंड, बिल्कुल सही। उसे विच विंड नहीं होता, विंड
ओवरवाशन और वाटर सबसे होता है फ्रेंड्स, अपने सन से नहीं होता। तो फिर इस तरह के कुछ आपके क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर। अब बात कर लेते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी क्वेश्चन पेपर्स आ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क टीचर इज, टीचर का इंपॉर्टेंट वर्क क्या होता है? टू ऑर्गेनाइज टीचर वर्क, टू डिलीवर लेक्चर इन क्लास, टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, टू एवेल्युएट द स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स अगर आप टीचर्स हो तो आप उसका आंसर आना चाहिए। उसका ऑर्गेनाइज टीचर का काम क्या होता है? टू केयर ऑफ चिल्ड्रंस, आपको चिल्ड्रंस का केयर रखना और एवेल्युएट द स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स वही है, मैं टीचर नहीं हूँ फिर भी अकॉर्डिंग इसके सारे क्वेश्चन एक बार आपको मिल जाएंगे। आपको मेरी तरफ से आप सबको ये पेपर देख के जाना चाहिए, पेपर आपका इसी में से लगभग निकल के आएगा। फिर उसी तरह मैथमेटिक रीजनिंग का क्वेश्चन आपके आप में देख सकते हैं कि किस तरह इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम द क्वेश्चन एंड 5 टाइम द रिमाइंडर इफ द रिमाइंडर इज। तो फ्रेंड इस तरह क्वेश्चन होंगे, अगर इफ 1.5 इनटू इतना आएगा कि इक्वल टू इतना होता है तो आपको वाई और एक्स की वैल्यू इसके अंदर आपको निकालनी होगी। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी आ गए, ऐसे आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव पूरा एक आपको इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव दे रखा होगा। और फ्रेंड्स इसके अंदर आपके क्वेश्चंस के इसको आपको आंसर्स ढूंढने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा मानना यही है कि अगर आपको जाने से पहले एक बार जरूर से जरूर ये पेपर देख के जाएं, क्योंकि पेपर्स में से आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा जिस तरह पेपर होते हैं। फ्रेंड 2012 हम एक बार 2013 का भी हम एक बार पेपर देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये जो पेपर आ रखा है ये आपका आ रखा है इकोनॉमिक्स का, ये देख सकते हैं इकोनॉमिक PGT कोड जनरल इंस्ट्रक्शंस इनके आ गए। देन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं रिटर्न कोड हो गया, इकोनॉमिक PG कोड है, आपके पूरा क्वेश्चन पेपर सा रखा है जिसके अंदर फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पूछ लिया। ऐसे आगे पॉल्यूशंस हो गया, जिस तरह के बाद जो APGP के अकॉर्डिंग इन्होंने किसने वो की थी, कौन इसका करने वाला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टर ऑफ लेबर्स आगे। तो फ्रेंड्स आपके लिए सारे ये मेरा मैं कहने का मतलब है सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके पास ईजिली अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स आपको इस वेबसाइट के ऊपर आना है, सारे आपके मैथ, सोशल स्टडीज, फिजिक्स, आपके इकोनॉमिक्स और PRT से सारे आपके मिल जाएंगे। फ्रेंड उसी तरह इसने बता रखा है जनरल अवेयरेंस रीजनिंग के किस तरह क्वेश्चन आ रखे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, 10-10 करके क्वेश्चन आएंगे आपके। वैसे ही आएगा प्रिस्पेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, किस तरह क्वेश्चन है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको किस तरह अप्लाई करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। फ्रेंड्स इसके ऊपर व्हाट्सअप और टेलीग्राम भी है, आपको अच्छी से अच्छी आपको चीज़ में अवेलेबल हो सकती है। तो फ्रेंड्स जाने से पहले एक बार मैं आपको यही बोलूँगा, एक बार जरूर से पेपर देख के जरूर जाना, इसमें आपको सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर फ्रेंड्स आपको फिर भी कोई पेपर आपको नहीं मिलता हो, किसी सब्जेक्ट आपका मिस हो रखा, तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में आके आप हमसे बता सकते हैं, हम आपके लिए बिल्कुल उसके लिए आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो फ्रेंड आशा करते हैं कि वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी और कुछ अभी आप जो पेपर देने जाएंगे PRT TGT और इसमें काफ़ी आपको इसमें हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप ऐसे में वीडियो आपके लेके आता रहता हूँ, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स ऐसे इस वेबसाइट पर आपको रेगुलर बने लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्राउन बजर पर आपको ये लॉक का आइकन का इस पर क्लिक कीजिए। फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन का इसको आप ऑन कर दीजिए। फ्रेंड्स जैसे इसमें कोई नया आपके पास पोस्ट आएगी, ऐसे कोई रिलेटेड नई वैकेंसी होगी, तो आपके पास डायरेक्ट आपके मोबाइल पे या फिर आपके पास व्हाटएवर आपके लैपटॉप पे वो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। तो फ्रेंड आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा, अगर फ्रेंड आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, अदरवाइज आप फ्रेंड्स को डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। फ्रेंड्स टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।